बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कराते रहें। तो जी, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे घर में आग लगाई जा रही है। पत्ते इतने ज़्यादा गिरे हुए थे कि मैंने इकट्ठे किए हैं, और मैंने तो नहीं, मेरी सास ने इकट्ठे किए हैं और फिर इन्हें जला दिया है। क्योंकि इस तरह जो राख है ना, उसको बाहर फेंकना आसान है, बजाय जो पत्ते हैं ना उनके, पत्ते फेंकना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो जब ज़्यादा हो जाते हैं ना पत्ते, तो फिर हम इकट्ठे कर देते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं और फिर जो राख बनती है उसको फेंक देते हैं। और जी, यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए थे मेरे हस्बैंड ने ये जो रोटियों वाले रुमाल हैं ये ला के रखे हुए थे, और था तो छोटा सा काम लेकिन वक्त निकालने की बात होती है। तो काफ़ी दिन हो गए थे ये पड़े थे, मैंने यूज़ नहीं किए थे। मैंने कहा अगर ऐसे ही यूज़ कर लिए ना तो फिर ये साइड से ना जो किनारे होते हैं इनके ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जी मैं इनकी जो है किनारे उनको सिलाइयाँ लगा रही हूँ, तो इस तरह काफ़ी जो नीट भी लगते हैं और काफ़ी दिन भी निकाल जाते हैं। और फ्रेंड्स, कैसा जा रहा है आपका माह रमज़ान और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? कौन कौन है जो ज़्यादातर सो के रोज़ा गुजारता है और कौन है जो थोड़ा बिज़ी रहता है? मोस्टली लोग तो बिज़ी ही रहते होंगे, कुछ होते हैं जो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जिनके पास ये आसानी होती है, ये सहूलत होती है, ये नेमत होती है कि उनके घर में कोई ऐसा होता है जो उनकी हेल्प करवा दे। तो जो तो मेरी तरह बेचारे अकेले रहते हैं या फिर जो जॉब करते हैं वो थोड़े बिज़ी ही होंगे, उनके रोज़े थोड़े बिज़ी ही जा रहे होंगे। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा पप्पी है, छोटा सा जर्मन शेफर्ड का। ये देखिए, ये मेरा भतीजा लेके जा रहा है, इधर से ही लेने आया था जंग से। कितना प्यारा है ये छोटू सा। सर्दी लगी हुई है इसको, ये इसको हमने सीढ़ी लेके खिलाया है। इधर आओ, इधर इधर पी लो। और पी लो, और पी लो। जी फ्रेंड्स, ये था जी मेरा आज छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। अभी जी चाहूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगी किसी और बेहतरीन से खूबसूरत से व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।